हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चंचलता क्या होती है, चेतना क्या होती है, या फिर अंग्रेजी का ये शब्द है फ्लक्स, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपस में जुड़े हुए हैं। फ्लक्स का हिंदी में मतलब होता है चंचल। जैसे कोई बच्चा जो एक सोच में नहीं रहता, वो चीज़ें बदलती रहती है उसके दिमाग में। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बच्चा है जो दूसरे बच्चे का खिलौना देख के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, या अपने वाले खिलौने को छोड़ के दूसरे वाले के पास जाता है और उससे वो छीनने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे चंचल कहलाते हैं। ऐसे ही कुछ इंसान भी होते हैं जो चंचल होते हैं, जिनको अपनी चीज़ से ज़्यादा दूसरे की चीज़ पर ज़्यादा प्यार आता है और वो उसे पाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो है बड़े चंचल होते हैं, नटखट होते हैं। ठीक है, नॉटी बॉयज़ या नॉटी गर्ल्स। और अंग्रेजी में शब्द को फ्लक्स बोला जाता है। कुछ ऐसे मनुष्य जो अपने से ज़्यादा दूसरों की चीज़ें देखकर चौकन्ने रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पास वो चीज़ होनी चाहिए, ये इसके पास क्या कर रही है। ठीक है, तो ऐसे लोग बड़े टेढ़े टाइप के होते हैं। कुछ लोग बड़े मजाकिया होते हैं, कुछ लोगों का मन एक काम में नहीं लगता। तो ये एक स्थिति होती है इंसान की, जिसमें उसमें परिवर्तन आता रहता है। बट ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, ऐसा सिर्फ अगर 100 लोग हैं उसमें से कोई एक दो ही ऐसा होगा, क्योंकि ये लाखों में एक होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बट जो भी होते हैं बड़े नटखट होते हैं, बदमाश होते हैं। मतलब एक चीज़ में मन नहीं लगता उनका, एक पैर यहाँ रहेगा, दूसरा पैर कहीं और, एक हाथ कहीं और, दूसरा हाथ कहीं और। इस तरह के लोग आपके आस पास होंगे, बट आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ये जो ट्रेड्स होते हैं सबसे ज़्यादा बच्चों में देखे जाते हैं। आप कभी भी देख लेना, कोई बच्चा होगा वो अपना खिलौने से ज़्यादा दूसरे का खिलौना देख के रोएगा या छीनना चाहेगा उसको, क्योंकि उसको अपने वाले में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, वो दूसरे वाले की चीज़ देखकर खुश होता है या रोता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो उसकी पर्सनैलिटी होती है उसमें बदलाव आते रहते हैं। बट टाइम के हिसाब से चंचल बच्चा सीधा हो ही जाता है, बट कुछ लोग बचपन से लेके बुढ़ापे तक चंचल ही रहते हैं। ठीक है,